मॉर्निंग फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और सभी को मेरे राम राम। और आज बना रहे हैं हम सूजी से चटपटा सा नाश्ता। और सबसे पहले मैंने 2 कप सूजी की है और इसमें छिला हुआ मटर थोड़ा सा और थोड़े से प्याज ये इसमें डालूंगी। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च कटी हुई और ये धनिया, और इसमें अब ऐड करूंगी दही, इसमें आधा कप दही डालूंगी और इसको अब मिक्स करेंगे। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे और इसमें आधा कप डालेंगे हम पानी। इसमें आधा कप, कम से कम आधा कप जितना दही है उतना मैं पानी डालूंगी, ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा और डालूंगी। और इसको इस तरह से मिलाऊंगी और ये अच्छे से सारा मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें सिर्फ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, मीठा सोडा। और ये देखो पूरी तरह से फूल चुका है और सूजी बिल्कुल फूल चुकी है और इसे बेकिंग सोडे से ये फूल चुका है। और अब हम एक थाली लेंगे, ये थाली ली है मैंने, इसमें हम ऑयल लगाएंगे, ऊपर तक ऑयल लगाएंगे और रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। पानी बॉईल करने को डाला था, मेरे पास रिंग नहीं है इसलिए मैंने इसमें एक कटोरी रखी है और इसको इस तरह से इसमें रखते हैं। और अब इसमें ढक्कन लगाएंगे ताकि पूरा मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और पूरा स्टीम हो जाए। ये देखिए मैंने इस तरह से कर दिया है। अब इसको इस तरह से इसके ऊपर रखना है। आप चाहो तो इस तरह से भी खा सकते हैं और या फिर आप इसको सेक सकते हैं। ये बन गए, अब सेक के तैयार हो चुके हैं। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सॉस लगाऊंगी इस तरह से, या इसमें इमली की चटनी भी लगा सकते हैं या कोई भी चटनी, और दही के साथ भी खा सकते हैं। ये पूरी तरह तैयार हो चुका है। ये देखिए देखने में कितना सुंदर और कितना अच्छा है। और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चटनी डाल रही हूँ मैं, हरी चटनी। ये अब एकदम तैयार हो चुका है।